कांग्रेसी विधायक संजय शुक्ला ने एमवाई अस्पताल और चाचा नेहरू अस्पताल का दौरा किया, जहां इस समय शहर में एक तरफ जहां कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज अस्पताल में भर्ती होने के लिए परेशान हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इन अस्पतालों में पूरी की पूरी मंजिलें खाली पड़ी हुई हैं। इस तरह इन पीड़ितों के उपचार में शासन प्रशासन के द्वारा की जा रही लापरवाही उजागर होकर सामने आ गई है। कोरोना से संक्रमित मरीजों को उपचार दिलाने और उपचार में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज सुबह विधायक शुक्ला एमवाई अस्पताल के दौरे पर पहुंचे। पिछले काफी समय से जिला प्रशासन के अधिकारियों के द्वारा ये दावा किया जा रहा है कि एमवाई अस्पताल में कोरोना वायरस के संक्रमित मरीजों का बेहतर उपचार हो रहा है। पिछले दिनों यह भी आदेश जारी किया गया था कि इस अस्पताल में चौथी और पांचवी मंजिल को पूरी तरह से कोरोना के मरीजों के लिए आरक्षित कर दिया जाए। आज जब कांग्रेस के विधायक संजय शुक्ला अपने साथियों के साथ इस अस्पताल पर पहुंचे, तो वे यह देखकर हैरान रह गए कि सारे शहर में एक तरफ संक्रमित मरीज अस्पताल में भर्ती होकर उपचार प्राप्त करने के लिए मारे मारे फिर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एमवाई अस्पताल में चौथी और पांचवी मंजिल पूरी तरह से खाली पड़ी हुई है, वहां पर एक भी मरीज भर्ती नहीं है। इसके बाद विधायक शुक्ला के द्वारा एमवाई अस्पताल के ठीक पीछे स्थित चाचा नेहरू लाल चिकित्सालय का दौरा किया गया। इस चिकित्सालय में भी कोरोना के मरीजों को भर्ती कर उसे कोरोना अस्पताल के रूप में सामने लाने का फैसला काफी पहले हो चुका है। आज जब विधायक वहां पहुंचे, तो वह यह देखकर चौंक गए कि यहां पूरा अस्पताल खाली पड़ा हुआ है, जिसमें कहीं भी एक भी मरीज भर्ती नहीं है। इसके बाद भी कोरोना के मरीजों को इस अस्पताल में भर्ती नहीं किया जा रहा है। इन दो प्रमुख सरकारी अस्पतालों में कोरोना के मरीजों के उपचार की दिशा में जो स्थिति दौरे में उभर कर सामने आई है, उससे स्पष्ट है कि शासन प्रशासन के द्वारा व्यवस्थाओं को संजोने में लापरवाही की जा रही है, जिसका खामियाजा कोरोना के संक्रमित मरीजों को अपनी जान देकर चुकाना पड़ रही है। इंदौर से ब्यूरो राकेश सच्चर के साथ सतीश शर्मा की रिपोर्ट। तैयार है, परंतु सिर्फ इसलिए रुका कि प्रभारी मंत्री को टाइम नहीं है, क्यों यहाँ नारियल फोड़ आएंगे, यहाँ पर फुग्गे लगाना है उनको। उसके बाद जब तक हजारों मरीज मर जाएंगे और ये चिंता नहीं पाल रहा कोई। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आम जनता को दिखाना चाहता हूँ मैं कि इंदौर के प्रशासन और हमारे जो सरकार है वो कितनी निकम्मी हो चुकी है, कि क्योंकि आज भी यह पूरा तैयार है। आप देखिए पूरा तैयार है, यहाँ 100 बेड का एमवाई में कोविड के लिए तैयार है। सिर्फ इसलिए रोका गया कि हमारे प्रभारी मंत्री जी आदरणीय कलेक्टर साहब निवेदन करेंगे और यहाँ पर ओपनिंग करेंगे। इसके पहले आपको देखना होगा, मेरी बात गौर से सुने आप, मैं लगातार 15 दिन से मैं बोल रहा हूँ मेरा हॉस्टल खाली है, वहां पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। मेरा नर्सिंग कॉलेज खाली है, उसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। सेवा कुंज अस्पताल पूरा खाली पड़ा हुआ, उसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। परंतु 15 दिन से इंदौर में जितनी मौत हुई है, इसके जिम्मा आदरणीय मुख्यमंत्री जी और इंदौर के प्रभारी और इंदौर का प्रशासन है। आप खुद देख रहे हैं, मैं लगातार दौरा कर रहा हूँ हर जगह की, मैं इनको बता रहा हूँ यहाँ व्यवस्था है, यहाँ पे व्यवस्था है, परंतु ये कहीं व्यवस्था के अंदर तैयार नहीं है। एमवाई के अंदर एक भी डॉक्टर नहीं है, मैं सदर दौरा कर रहा हूँ, बेचारे मरीज परेशान हो रहे हैं। और आप देखिए आम जनता, आप मेरा साथ दे, क्योंकि इंदौर की जनता के खिलाफ आदरणीय मुख्यमंत्री जी, उनका सपनों का शहर है, यहाँ ये स्थिति है। जो कोविड अस्पताल बनाना सेवा कुंज, उसको ओपनिंग के लिए इंतजार कर रहे हैं कि उसका ओपनिंग कैसे किया जाए, जैसे हम पूरे प्रदेश को दिखाएंगे इंदौर का सबसे बड़ा सेवा अस्पताल हमने बनाया वहाँ। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।